हेलो, आई एम ऋतु रतिवाल और हम शुरू करने वाले हैं कॉकरोच। मुझे पता है तुम लोगों को कॉकरोच बहुत गंदा लगता है। आई होप आई एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एक मिनट बेटा, मैं कंफर्म कर लेती हूँ, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है मेरी ऑडियो चलती नहीं है, वीडियो चलती नहीं है और मैं बोलती रहती हूँ। हाय, आई एम ऑडिबल, विजिबल? सब सही है? ओके, गुड, थैंक यू, थैंक गॉड। सो कॉकरोच तुम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही इजी सा टॉपिक है। मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, तुम लोग देखना तुम लोगों को कैसे लर्न हो जाएगा, मक्खन की तरह लर्न हो जाएगी एक-एक बार। चलो, अनकैडमी प्लस के बारे में मैं तुम्हें वीडियो के बाद बताती हूँ, पहले वीडियो थोड़ी सी शुरू कर लेते हैं। देखो, कॉकरोच, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी में इतना खचपच दिया हुआ है कि तुम लोगों को लगता है यार इसको लर्न करने से पहले तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है ना, पर एक्चुअली इतना खचपच है नहीं है। पहले अपने को देखना है क्लासिफिकेशन में कॉकरोच कहाँ पे पड़ता है। कॉकरोच पहली बात तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेन मेंबर है। शुरू से शुरू कर लेते हैं। किंगडम कौन सी किंगडम पे आता है भैया? एनिमेलिया, जानवर है। प्लांटी में नहीं आता, फंजाई में नहीं आता, प्रोकैरियोट्स मोनेरा में नहीं आता, प्रोटिस्टा में नहीं आता, ठीक है। कौन सी फाइलम में आता है आर्थ्रोपोडा? फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है ना, लार्जेस्ट फाइलम है। इसकी लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। इंसेक्टा पूरे एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट क्लास है, इंसेक्टा के अंडर आता है। पहली बात तो तुमको इतनी बात पता होनी चाहिए। देन इसका जीनस और स्पीशीज क्या है? इसका नाम पूरा है पेरी प्लानिटा अमेरिकन। देखो भाई, मैं बहुत सारा कॉकरोच होता है, जर्मन कॉकरोच है, ब्लैटा जर्मेनिका, ओरिएंटल कॉकरोच है, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच है, अपने को नहीं पढ़ना। अपन सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? अमेरिकन कॉकरोच को। अपने को अमेरिकन कॉकरोच पढ़ना है। अमेरिकन कॉकरोच का नाम क्या है? पेरी प्लानिटा अमेरिकाना, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जीनस ये हो गया, पेरी प्लानिटा हो गया, है ना। और इसका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज ये हो गया, सही है। ये बात अपने को आनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। पेरी प्लानिटा अमेरिकाना को याद करना है। देखो, अमेरिकन कॉकरोच का घर एक्चुअली अमेरिका में नहीं था, ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था। अफ्रीका से अमेरिका गया ये, और अमेरिका में वीट की बोरियों के साथ भर भर के इंडिया में आया। इंडिया जब आजाद हुआ था तो अपने पास इतनी वीट नहीं होती थी कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें, सो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे वीट। तो वीट के साथ ही आया था, ठीक है। तब से इसने इंडिया को अपना घर बना लिया। मोटे वाला कॉकरोच होता है ना, बड़े वाला, जिसे तुम लड़ने जाते हो, उसे मारने जाते हो तो वो तुम्हारी तरफ ही दौड़ लेता है, उस कॉकरोच की बात हो रही है। बड़े वाला जॉइंट कॉकरोच ऐसा दिखता है कुछ, देखो जाओ 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 जाओ, ऐसे दिखता है कुछ है? याद आया? ऐसा दिखता है कुछ, ये जायंट वाले कॉकरोच की बात हो रही है, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना, ठीक है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी शुरू करिए कि भैया कॉकरोच के बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, परंतु जनरली ब्लैक और ब्राउन का होता है, ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। फिर तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही है कि भाई लोग, जो तुम नॉर्मली कलर देखते हो ना, काले कॉकरोच होते हैं, ब्राउन कॉकरोच होते हैं, तो एनसीईआरटी कह रही है भाई लोग यही कॉकरोच नहीं है, तुम ट्रॉपिकल रीजन में जाके देखो, तुम्हें रंग बिरंगे कॉकरोच भी देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर तुम ट्रॉपिकल रीजन में जा रहे हो तो तुम्हें कॉकरोच देखने के लिए मिलेगा रेड, ग्रीन, येलो। ये लो बेटा, मजे लो। किसको इतना बोरिंग कॉकरोच चाहिए, है ना, ट्रॉपिकल रीजन में जाके रेड ग्रीन येलो कॉकरोच देखेंगे हम, ठीक है। देन ये कह रहा है कि यार कॉकरोच ना रात का प्राणी है। तुमने देखा होगा दिन में कॉकरोच छुपे रहते हैं, पतली सी बॉडी होती है ना, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इसकी, डॉर्सल और वेंट्रल साइड में, जैसे किसी ने चप्पल से चिपका दिया उसको,
ऐसे पतली सी बॉडी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, ठीक है। तो दिन में ये ना चीज़ों के नीचे छुपा रहता है, कुर्सियों के नीचे छुपा रहता है, बेड के नीचे छुपा रहता है, गटर में छुपा रहता है, किचन सिंक में छुपा रहता है। रात को बनती है इसकी पार्टी, रात को ये बाहर निकलता है खाना खाने का सामान ढूंढने के लिए। ये प्लांट्स की चीज़ें भी खा जाता है, ये सीड्स भी खा जाता है, ये एनिमल मीट भी खा जाता है, तो ये ओमनिवोरस है, सब कुछ खाता है, ठीक है। और तो और नॉन लिविंग थिंग्स भी खा जाता है, लेदर भी खा जाता है, पेपर भी खा जाता है, तो बड़े सारा डैमेज करता है अपनी इकोनॉमी को। सो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, पहली बात तो ये ओमनिवोरस है, कुछ भी खा रहा है। ओमनिवोरस क्या होता है, जो कार्निवोरस और वेजिटेरियन दोनों का मिक्सचर है भाई, मतलब बुरा नहीं मानता, जो आन लो जो आ रहा है सब खा लूंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि ये रात को निकलता है अपना खाना ढूंढने के लिए, है ना। कभी तुम लोग किचन में गए हो, लाइट बुझी हुई हो, फिर तुमने लाइट जलाई किचन की, ऐसे कॉकरोचेस की मंत्रणा चल रही होती है, और बताओ आज क्या करना है, जैसे तुम लाइट जलाते हो ऐसे करके भाग जाते हैं। तो बेसिकली रात के प्राणी है, रात के प्राणियों को नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं, नॉक्टर्नल प्राणी है ये, ठीक है। आई होप मेरी वॉल्यूम सही आ रही है, आई होप मेरी वॉल्यूम सही आ रही है आवाज की, है ना। बोलो जल्दी बोलो, वॉल्यूम सही आ रही है। कुमार विशाल थैंक यू, सही है, वेरी गुड, ओके फाइन। अच्छा एक और बात अपने को सीखनी है, जब तुमने कॉकरोचेस पर अटैक किया हो तो तुमने क्या सीखा है, तुम कॉकरोच पर अटैक कर लेते हो, कॉकरोच तुम्हारी तरफ ही वापस भाग लेता है ना, और इतनी स्पीड से भागता है तुम बेड के ऊपर चढ़ जाते हो, पीछे 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 लगा होता है। सो फास्ट रनिंग एनिमल्स को बोलते हैं कर्सोरियल, कर्सोरियल का मतलब है दे रन वेरी फास्ट, तो कर्सोरियल भी है, दैट मीन्स इट रन्स वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। एक सेकंड के अंदर 100 सेंटीमीटर तक दौड़ जाता है, इतना फास्ट दौड़ता होता है, ठीक है। और मरते नहीं है, कॉकरोचेस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, मरते नहीं है, टफ होते हैं। मतलब मैंने कॉकरोच को इतनी बार मारने की कोशिश करी, वैसे मैं तो ज्यादा मारती नहीं हूँ क्योंकि ऐसे मच जाती है, मेरे क्या है, तो मैं और लोगों को लगा देती हूँ मारने के लिए, मेरे भाई बहन, मेरी बहन है वो कॉकरोच मारने में एक्सपर्ट है, तो मैं उसको बोलती हूँ अनु जा कॉकरोच शुरू हो जा, तो वो लेके जाती है पूरा साजो सामान, एक हाथ में यू नो झाड़ू और दूसरे हाथ में पता नहीं क्या क्या लेके जाती है, उससे नहीं मरता है वो, करती रहती है, कॉकरोच उस पर अटैक करता है, वो कॉकरोच पर अटैक करती है, अल्टीमेटली वो लेके जाती है हार्पिक, और जहाँ कॉकरोच होता है उसके ऊपर निशाना लगाती है हार्पिक से, फिर जाके मरता है, ठीक है। सो कॉकरोच इज वेरी वेरी स्ट्रांग, इट इज वेरी, इसकी स्ट्रेंथ का राज क्या है ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। उसकी बॉडी में पूरी काइटिन की एक लेयर जमी होती है जो उसको चीजों से बचाती है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। सो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। बात कर्सोरियल हैबिट से चली थी, तेज दौड़ने वाला क्रिएचर है ये सारी बातें हो गई। अब कॉकरोच की बॉडी देख लेते हैं ध्यान से। देखो कॉकरोच की बॉडी जो तुम्हें दिखती है ना, तुम्हें लगता है कि इसके ये पार्ट्स हैं, ये इसका हेड है, यहाँ पे इसकी आईज है, है ना, यहाँ इसकी आईज होंगी, ये इसका कुछ पार्ट होगा, ये इसका कुछ पार्ट होगा, तीन पार्ट है, बट एक्चुअली ये पार्ट ऐसे नहीं है, ये कवरिंग्स है जो तुम्हें ऊपर से दिख रही है। एक्चुअली में कॉकरोच कैसा होता है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अगर कॉकरोच को तुम साइड से देखो और ऊपर से सारी कवरिंग हटा दो तो कॉकरोच कुछ ऐसा दिखता है, ट्राइंगुलर हेड होता है कॉकरोच का, ऐसा ट्राइंगुलर हेड, यहाँ पे माउथ इसका नीचे की साइड होता है, यहाँ पे ऐसे स्माइल करता हुआ इमेजिन कर लो, ठीक है, ऐसे ये लो तुमसे प्यार कर रहा है कॉकरोच, ये लो पपियां दे रहा है तुम्हें, ठीक है, ऐसा सा सिर होता है, ऐसा कुछ, मतलब ऑफ कोर्स इसका माउथ ऐसा नहीं होता, माउथ में तुम्हें बताऊंगी कैसा होता है। यहाँ पे इसकी एक पतली सी गर्दन होती है विच इज वेरी फ्लेक्सीबल, तो गर्दन तुम लोगों को दिखती नहीं है ना, कभी तुमने गर्दन देखी नहीं होगी, गर्दन घुमा घुमा के इधर उधर मस्त देख सकता है। अब गर्दन छुपी होती है कैसे, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर इसकी बॉडी का एक पार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ पे 3D में इमेजिन करेंगे अपन, यहाँ पे ऐसे समथिंग लाइक दिस, ओके, हालांकि इतना बढ़िया नहीं इमेजिन हुआ, समथिंग लाइक दिस। इस पार्ट को बोलते थोरेक्स, ठीक है, बड़ा ही गंदा बनाया है थोरेक्स मेरा, है ना। आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग लाइक दिस, ये होता है थोरेक्स, ठीक है, और थोरेक्स के पीछे होता है एब्डोमन, तीन पार्ट्स होते हैं बॉडी के, इसको भी 3D में इमेजिन कर लो ऐसे, ठीक है, ऐसे 3D में इमेजिन करते हैं इसको। क्या बोला मैंने, हेड, ट्रायंगुलर हेड, ट्रायंगुलर हेड होता है इसके पास, अगला पार्ट होता है थोरेक्स, तो इसकी बॉडी के बेसिकली तीन पार्ट्स है ना, थॉरेक्स और एब्डोमेन, तीन पार्ट्स हैं बेसिकली
हेड और थोरिक के बीच में फ्लेक्सिबल नेक है, फ्लेक्सिबल नेक है जो तुम लोगों को दिखती नहीं है, क्यों नहीं दिखती है तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। ट्रायंगुलर हेड है और मुंह नीचे की साइड है, देखो इसका ऐसे बॉडी एक्सिस ऐसे, माउथ इसका नीचे की साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोग्नाथस। हाइपो मतलब नीचे, ग्नाथस मतलब माउथ, जहां माउथ नीचे की साइड हो उसको बोलते हैं हाइपोग्नाथस सिचुएशन। ये टर्म अपने को पता हो, नीचे हाइपोग्नाथस होता है, ग्नाथ मतलब जॉ है ना, आपने पढ़ा हुआ है, टी एच ए थस, टी एच ओ यू एस थस, ग्नाथस आपने पढ़ा था उसपे जॉलेस फिश में, ए ग्नाथा ग्नाथोस्टोमेटा याद है, जिसके जॉ होते हैं उसको ग्नाथोस्टोमेटा कहते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ा था, जिसके जॉ नहीं होते वो ए ग्नाथा होता है, तो ग्नाथा का मतलब होता है जॉ, हाइपो का मतलब होता है नीचे, सो जिसका जॉ नीचे की साइड है, नीचे माउथ है ना इसका, लोअर साइड में माउथ है, इसलिए इसका नाम हाइपोग्नाथस इसकी सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो थॉरिक्स के एक्चुअली में तीन टुकड़े होते हैं, थॉरिक्स इज मेड अप ऑफ थ्री पीसेस, ठीक है, ये आगे वाला फ्रंट पीस, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा ग्रीन है, देन एक बीच वाला पीस, ये वाला पीस इमेजिन कर लो, एंड देन ये तीसरा पीस येलो में बना देती हूँ मैं, दिस वन, थ्री पीसेस। आगे वाले को बोलते हैं प्रोथोरिक्स, इसको बोलते हैं मीजोथोरिक्स, इसको बोलते हैं मेटाथोरिक्स। क्या बोला मैंने अभी, रिपीट आफ्टर मी, दिस इज प्रोथोरिक्स, प्रो मतलब पहले, इसे बोलते हैं मीजोथोरिक्स, मीजो मतलब बीच वाला, इसको बोलते हैं मेटाथोरिक्स, मेटा मतलब पीछे वाला, थोरिक्स, तीन पार्ट्स हैं, तीनों के नाम अपने को याद करने हैं। एब्डोमन के 10 पीसेज हैं, 10 पीसेज हैं, लेकिन 10 जो सेगमेंट्स हैं उनके नाम नहीं अपने को याद करने, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, बस 10 सेगमेंट बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, सही है। अब देखो कॉकरोच, अगर कॉकरोच एक्चुअली में ऐसा है तो फिर कॉकरोच ऐसा क्यों दिखता है, ये क्या है, ये बड़ा सा पीस क्या है, ये बड़े से पीस का रहस्य तो मैं बताती हूँ, मैं कलर कर देती हूँ पहले से, है ना, क्योंकि मुझे कलर करने में मजे आते हैं, जस्ट फॉर दिस रीजन, ये क्या है, ये पर्पल वाला पीस मैंने बताती हूँ, देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे, इसकी हर बॉडी सेगमेंट, चाहे थॉरिक्स का एक सेगमेंट निकाल लो, ठीक है, चाहे कोई भी एब्डोमेन का सेगमेंट निकाल लो, कोई भी सेगमेंट निकाल लो एक, हर बॉडी सेगमेंट से, दिस इज वन बॉडी सेगमेंट है ना, दिस इज वन बॉडी सेगमेंट जो मैंने उसकी बॉडी से निकाला है, थॉरिक्स का एक पीस निकाल लिया मैंने, मान लो ये मीजोथोरिक्स है, मेटाथोरिक्स है, कोई भी, ठीक है, एब्डोमेन का सेगमेंट है, तो इसकी बॉडी के हर सेगमेंट में चारों तरफ से जैसे योद्धाओं के ऊपर शील्ड लगी होती है ना, योद्धा ऐसे आयरन का कवर पहन के जाते हैं ना, वैसे इन्होंने भी कवर पहना होता है आयरन का, लेकिन इनका कवर आयरन का नहीं होता, काइटिन का होता है, सो यहाँ पे ब्राउन कलर का होना चाहिए, बट आई डोंट हैव ब्राउन कलर, सो आई एम मेकिंग इट विद दिस। यहाँ पे एक कवर है इसके ऊपर ऐसे काइटिन का, एक पूरी प्लेट है इसके ऊपर काइटिन की, इस तरीके से, समझ रहे हो, और ऐसे ही एक प्लेट नीचे की साइड भी इसको कवर कर रही है काइटिन की प्लेट, एंड एक प्लेट इस साइड कवर कर रही है काइटिन की। अब मैंने ये ग्रीन में बना दिया क्योंकि मुझे कलर चाहिए था अलग अलग, ये एक प्लेट काइटिन की यहाँ पे कवर कर रही है और एक प्लेट काइटिन की इस साइड पे कवर कर रही है, ठीक है, सो पूरा हर सेगमेंट काइटिन की एक एक प्लेट से कवर्ड होता है, ये भी काइटिन की प्लेट है, ये भी काइटिन की, ये भी काइटिन की, ये भी काइटिन की, ठीक है, इन प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइट्स, स्क्लेराइट्स आर काइटिनस प्लेट्स, याद हो जाएगा स्क्लेराइट्स, धीरे धीरे याद हो जाएगा, करा दूंगी मैं एक बार, अभी आप सुन लो स्क्लेराइट्स। अब इन स्क्लेराइट्स के अलग अलग नाम याद करने हैं अपने को, कम से कम दो तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो भी डॉर्सल स्क्लेराइट होती है, डॉर्सल मतलब ऊपर टॉप वाली है ना जो पीठ पे उसकी होती है, डॉर्सल स्क्लेराइट को टर्गाइट बोलते हैं, टर्गम प्लूरल है, सॉरी टर्गम सिंगुलर है, प्लूरल में इसको टर्गाइट बोलते हैं, एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है टर्गाइट, टर्गम ऊपर कमर की साइड, नीचे वाले को स्टर्नम बोलते हैं और प्लूरल में स्टर्नाइट, सो कुछ नहीं है, ये टर्गाइट और ये स्टर्नाइट देयर टाइप्स ऑफ
स्क्लेराइट, ये भी स्क्लेराइट का टाइप है, ये भी स्क्लेराइट का टाइप है, बस पोजीशन के हिसाब से दो अलग अलग नाम है। जो ये साइड वाली है, हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, पर आप जान सकते हो ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा, ठीक है। अब ये सारी आपस में जॉइंट भी होंगी, देखो देखो यार, अब ऐसे थोड़े पे कॉकरोच की बॉडी तुमने ऐसे पिचका थोड़े भी तो नहीं है, इधर से भी प्लेटें लगा दो, इधर से भी प्लेटें लगा दो, कॉकरोच ऐसे भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा उसको यू नो फ्लेक्सिबल दो, थोड़ा सांस लेने के लिए जगह दो थोड़ी सी। तो यहाँ से ये बड़ी फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन से ना कनेक्टेड होती है, इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसका कलर हम पर्पल बनाएंगे, इसे पर्पल बना दो, चलो पर्पल बना, यहाँ से बड़ी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है ये सारी की सारी आपस में, ऐसे इस तरीके से। दिस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में दिया हुआ, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कतई फ्लेक्सिबल नाजुक सी होती है, और ये थोड़ा सा इसके एक्सोस्केलेटन को यू नो थोड़ा सा रिलैक्स करती है। ये कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन है, तो हर सेगमेंट में ऐसी, हर सेगमेंट है, जैसे एब्डोमेन के 10 सेगमेंट है, तो 10ों के 10 के ऊपर चार चार प्लेटें हैं, थॉरिक्स के 3 सेगमेंट है, तीनों के ऊपर चार चार प्लेटें हैं, तो ये क्या बना रहा है, बेसिकली कॉकरोच का कवर बना रहा है, एक्सटर्नल कवर बना रहा है, एक्सटर्नल कवर को क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। सो वी आर टॉकिंग एक्चुअली आई एम टीचिंग यू अबाउट एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, एम आई क्लियर टिल हियर, प्लीज टेल मी, ये बात क्लियर हुई है, बोलिए जी, बोलिए जी, क्लियर डन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो अपने को नहीं समझ में आएगा, इजी 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 पीजी है। अब देखो, अब एक स्पेशल बात है, ये वाली देख ली, नोट कर लिया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यस, अब इधर नाउ सी, जो हर सेगमेंट के ऊपर है प्लेटें हैं कि नहीं बोलो मुझे, तो हर एक के ऊपर यहाँ पे टर्गाइट होगा, यहाँ पे स्टर्नाइट होगा, यहाँ पे प्लूरा होगा, यहाँ पे प्लूरा होगा, तो जो प्रोथोरिक्स होता है ना, प्रोथोरिक्स, यहाँ पे प्रोथोरिक्स की टर्गाइट यहाँ पे होगी, प्रोथोरिक्स की टर्गाइट यहाँ पे होगी, है ना, यहाँ पे होगी ऐसे, लेकिन इसकी टर्गाइट बहुत बड़ी होती है, इसकी टर्गाइट है ऐसे करके आगे तक होती है, ऐसे टर्गम, सॉरी टर्गाइट नहीं, टर्गम सिंगुलर है ना, ऐसे प्रोथोरिक्स की जो टर्गम होती है वो बहुत आगे तक प्रोजेक्टेड होती है, जो उसका हेड भी कवर कर लेती है थोड़ा सा, और नेक तो कवर कर ही लेती है, लाइक दिस, समझ रहे हो। सो ये जो है ना, ये जो है, ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, दिस दिस इज एक्चुअली द टर्गम ऑफ प्रोथोरिक्स, यहाँ हेड है, ये एब्डोमन जो है ये कवर हुआ हुआ है विंग्स से, तुम्हें एब्डोमनल सेगमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि विंग्स से कवर हो गया है। यहाँ पे तुम्हें इससे जस्ट पहले यहाँ पे ऐसे दिखेगा, मीजोथोरिक्स दिखेगा, यहाँ पे मेटाथोरिक्स दिखेगा, फिर विंग्स आएंगे, यहाँ से विंग्स आएंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोथोरिक्स की टर्गम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम अपने को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोनोटम, प्रोनोटम, देखो इसको प्रोटोनम बोलने का बहुत मन करेगा तुम्हारा, ठीक है, प्रोटोनम, प्रोटोनम आएगा दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो जब भी प्रोटोनम बोलने का मन करेगा ना, तो बोलना प्रोटोन से कोई लेना देना नहीं है, सो ऑलवेज से प्रोनोटम, ऐसे याद करना है, ठीक है। देखो ये हेड दिख रहा है, ये प्रोनोटम है, ये दिस इज मीजोथोरिक्स, दिस इज मेटाथोरिक्स, है ना, एंड दिस इज विंग्स, द एब्डोमन इज कवर्ड विद विंग्स, इतना क्लियर है, बोलो फिर आगे बताती हूँ, यू आर डन टिल हियर, आई हैव सीन इट इन अ कॉकरोच सो डीपली, हैं यू सी कॉकरोचेस डीपली, व्हाट इज मेम्ब्रेनस सॉकेट, मेम्ब्रेन से कवर्ड सॉकेट, मेम्ब्रेन से बना हुआ सॉकेट, सृष्टि सौंदर्य डन, अब आगे चलते हैं, चलो देखो अब इसकी बॉडी में अपने को कुछ चीजें और देखनी है। हर थॉरेक्स के सेगमेंट पे एक लेग का पेयर है, ये रहा लेग बना लेते हैं यहाँ पे, हर थॉरेक्स के सेगमेंट पे एक पेयर है लेग का, तो यहाँ पे इसे एक लेग ये होगी, यू नो एक लेग ये होगी, एक लेग ये होगी,
ठीक है, तीन लेग्स, तीनों तो, ये हालांकि दिख नहीं रही है, मैं किसी और कलर में बनाना चाहती हूँ, लेट मी मेक इट इन रेड समथिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो तीन लेग्स इधर हो गई, तीन लेग उस साइड भी हो गई, तो तीन पेयर ऑफ लेग्स हैं। देखो इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं, हेक्सापोडा क्यों कहते हैं, हेक्सा मतलब छह, पोडा मतलब लेग्स, छह पैरों वाले जानवर इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अपन, अगर तुम लोगों को आर्थ्रोपोडा वाली बात याद है, तो एक होता है अरैकनिडा जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन होता है, उसमें आठ लेग्स होती है। तो स्पाइडर्स को हम इंसेक्ट्स में क्यों नहीं रखते, क्योंकि स्पाइडर की आठ लेग्स होती है, इंसेक्ट की सिर्फ छह लेग्स होती है, ठीक है। सो इंसेक्टा में जो छह पैर है, तो देख लो तीन इधर है तीन इधर है, और कभी भी एब्डोमन पे पैर नहीं बनाने हैं, कभी भी एब्डोमन पे पैर नहीं बनाने हैं, हमेशा थॉरिक्स पे पैर बनाने हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स की ये खासियत होती है कि उनके पास दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, दो विंग्स नहीं, दो पेयर ऑफ विंग्स, इसका मतलब चार विंग्स है हमारे पास, फोर विंग्स, ठीक है। अब वो कहां पे लगे हुए हैं, आओ देखते हैं। एक विंग का पेयर मीजोथोरेक्स पे लगा होता है, एक मेटा पे, प्रो पे कोई विंग नहीं लगे हुए। तो इसको ऐसे याद कर लेना, प्रो के पास ये है, इतनी बड़ी प्रोनोटम है, तो इसको विंग्स की जरूरत नहीं है, तो इस पीछे से विंग्स शुरू होंगे। जो मीजोथोरेक्स के विंग्स है, ये बहुत बड़े बड़े विंग्स है बेटा, बहुत बड़े बड़े ह्यूज लेदरी विंग्स है, ऐसे बड़े बड़े ह्यूज लेदरी विंग्स है ऐसे करके, ठीक है। दो पेयर, तो एक इधर हो गया, मतलब एक उधर लगा देती हूँ ऐसे, ये तो पता नहीं क्या ड्रैगन ही बन गया है ना, ये तो पता नहीं क्या ही बन गया, ड्रैगन ही बन गया, ये तो ऐसे यहाँ पे लगा दिया अपने, डेनेरिस टारगेरियन का ड्रैगन बन गया ये तो। मीजोथोरिक्स पे दो बड़े बड़े विंग्स लगे हुए हैं, और मेटाथोरिक्स पे दो पतले पतले मेम्ब्रेनस विंग्स लगे हुए हैं बेटा, पतले पतले मेम्ब्रेन के बने हुए, पतले पतले से मेम्ब्रेनस विंग्स बनने में लगे हुए, छोटे छोटे, एक इस साइड पे, ठीक है, ऐसे करके एक उस साइड पे, वो मैं दिखा नहीं पा रही, ठीक है, बट यू कैन इमेजिन। अब देखो जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं ना, वैसे कॉकरोच के भी पंख उड़ने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। देखो जो कॉकरोच का पंख तुम्हें दिखता है ऊपर से, वो ये वाला है, रेड वाला है, इधर आओ, कॉकरोच का ये वाला पंख दिख रहा है ना तुम्हें, ये रेड वाला पंख है बेसिकली, ये यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये मीजोथोरेसिक विंग्स है दोनों, बड़े वाले डार्क वाले ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, डार्क लेदरी, और इनके नाम भी अपने को पता होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दे आर कॉल्ड टेगमिना, टेगमिना भी इन्हीं को कहते हैं, इलाइट्रा भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। ये डार्क होते हैं और ये लेदरी होते हैं, और कभी भी उड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। लेदरी की स्पेलिंग गलत है यार, क्या करूं मैं, ये डार्क होते हैं, ये लेदरी होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और ये ऊपर से कवर करते हैं, और ये कभी भी उड़ने के काम नहीं आते। तो हमें दिखते तो यही है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ दिखाने के और उड़ने के और है, हमको दिखते तो यही है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, इनके नीचे जो पतले पतले विंग्स है ना, जो मेटाथोरेसिक विंग्स है, हाइंड विंग्स है, जो जो वो बेसिकली उड़ने के काम आते हैं, जो पतले पतले मेम्ब्रेनस है वो उड़ने के काम आते हैं, और ये उनको सिर्फ प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्या नाम है इसका, एलाइट्रा और टेगमिना, हो जाएगा। ये वाले जो मेम्ब्रेनस वाले, ये वाले जो मेम्ब्रेनस वाले हैं, दे आर द रियल डील, दे आर हाइंड विंग्स भी बोलते हैं, मेटाथोरेसिक विंग्स भी बोलते हैं, मेटा मेटा थोरै विंग्स बोलते हैं, एंड ये मेम्ब्रेनस होते हैं, पतले पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, ये दिख रहा है, आई होप तुम लोगों को दिख रहा है, एंड दे आर यूज्ड इन फ्लाइंग, उड़ने के काम आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, बताओ मुझे, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलो। आगे चलो, वी आर डन नाउ, नाउ आई होप इसमें तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसमें तकलीफ होने वाली कोई चीज है ही नहीं,
है ना, सिंपल सिंपल सी बात है। ये कॉकरोच की बेसिक बॉडी हो गई, ठीक है। कॉकरोच में और बहुत चीजें हैं, जैसे कॉकरोच के एंटीना के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच की आईज के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनल सरकाई के बारे में पढ़ेंगे, एनल स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट नाउ, हम धीरे धीरे करके इन चीजों को कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैं तुम्हें माउथ पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ाने वाली कॉकरोच के, क्योंकि वो थोड़ा सा ना खचपच लगता है तुमको, तुम उसको देख के डर जाते हो। अब मैं तुम्हें पढ़ाने लग जाऊँ मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम, लैबियम, हाइपोफेरिंग्स, तो तुम लोग कहोगे मैडम रहने दो, आप आज बाद में बात करते हैं, ठीक है। सो मैं तुम्हें अभी माउथ पार्ट्स नहीं पढ़ाना चाहती, मैं सीधा चलूंगी सिस्टम्स पे, क्योंकि सिस्टम समझने ज्यादा आसान है, ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा मजा आएगा। तो कॉकरोच का मैं सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम लेके चल रही हूँ, माउथ मूथ पार्ट्स बाद में समझाऊंगी तुम लोगों को। आया डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो कॉकरोच के सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं अपने को, सिस्टम्स नहीं होना चाहिए भाई, सिस्टम होना चाहिए। कॉकरोच के सारे सिस्टम पढ़ने अपने को, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे तो नहीं मैं बता देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, छह हो गए, और नर्वस सिस्टम, पांच छह सिस्टम्स पढ़ने हैं। तो मैं चाहती हूँ आज दो तीन खत्म कर दूं और दो तीन कल की क्लास में खत्म कर दूं, ताकि तुम्हारा दो दिन में चैप्टर खत्म हो जाए, ओके। सो कोऑपरेट विद मी, साथ साथ बताते रहा करो, अगर कोई चीज मतलब समझ में आ गई तो यस यस लिख दिया करो, तो मुझे पता चल जाएगा कि चलो आगे चला जाए, ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है कॉकरोच का, बना लेते हैं, है ना, ये हमारा कॉकरोच है, ठीक है। अभी मैंने इसका हेड हुड सब हटा दिया है, ठीक है। क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि बेटा इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होती, हालांकि आर्थ्रोपोडा के अंदर वो होती है, मेटामरिज्म होती है, सेगमेंटेशन होती है, ट्रू सेगमेंटेशन होती है, बट सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, मतलब जो सेगमेंट्स हैं थॉरेक्स के जो तीन सेगमेंट्स हैं, एब्डोमेन के जो 10 सेगमेंट्स हैं, वो सिर्फ बाहर से देखने को मिलते हैं आपको। अगर आप कॉकरोच को अंदर से खोल के देखोगे तो अंदर से आपको नहीं मिलेगा ऐसे कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये मैं नॉर्मली बना रही हूँ, यहाँ पे इसका माउथ एंड है, यहाँ पे इसका एनल एंड है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम रन करता है ऐसे ऐसे। अगर मैं साइड व्यू बनाऊं डाइजेस्टिव सिस्टम का, देखो मान लो ये कॉकरोच है, ठीक है, ये इसका हेड है, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से यहाँ रन करेगा, ऐसे से रन करेगा, यहाँ पे एनस पे एंड हो जाएगा, माउथ से शुरू होएगा, एनस पे एंड हो जाएगा। तो मैं ये साइड व्यू ना दिखा के मैं टॉप व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉप व्यू दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से टॉप व्यू पे देखते हैं, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली शुरू होएगा यहाँ पे माउथ से, यहाँ पे ओपनिंग बना लेते हैं माउथ। I hope this is visible. ठीक है, यहाँ से ट्यूब चलनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम इसका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। इसके एलिमेंट्री कैनाल को मैंने तीन पोर्शन से बांट दिया, मैंने नहीं बांटा है, जिसने भी कॉकरोच को स्टडी किया उसने बांटा है, तो मेरी गलती नहीं है। इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ठीक है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, विच इज नॉट डिफिकल्ट। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है बेटा। फोरगट का एक और नाम है, तो याद कर लो, कभी कभी ऐसे यू नो इंस्टीट्यूट्स के पेपरों में आ जाता है, हालांकि नीट में नहीं आने के चांसेस है। इसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम, इसको बोलते हैं मीजेंट्रॉन, मीजेंटीरॉन, इसको बोलते हैं स्टोमोडियम, स्टोमो डेयम। मैं कैसे याद करती हूँ इसको, डेयम, यही होनी चाहिए स्पेलिंग, डेयम, डेयम, यही स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। देखो पी, प्रो, प्रो मतलब पहले, तो जो भी प्रोक्टोडियम है वो पहले आना चाहिए, तो मैं याद करी, तो मीजेंट्रॉन याद करना आसान है, क्योंकि बीच वाला है, मीजो मतलब बीच वाला होता है, जो बच गया स्टोमोडियम वो पीछे डाल देती हूँ मैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को आवाज़ की दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि तुम लोग मुझे कहते रहते हो, माइक में चेंज कराने वाली हूँ अपना वैसे, ठीक है। तीन है इसके पार्ट्स। अब जब आप शुरू करते हैं तो ऑफकोर्स फोरगट से शुरू करेंगे, है ना, हाइंड गट या मिड गट से तो शुरू नहीं कर सकते। तो पहले इसका स्टमक आता है, अब स्टमक के सॉरी पहले इसका माउथ आता है, माउथ के बाद अपना बक्कल कैविटी आता है, ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद अपना फेरिंग्स आता है। तो इसमें बक्कल कैविटी तो अपन नहीं बनाते, सीधा फेरिंग्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ से जो ट्यूब चल रही है, यहाँ से जो ट्यूब, यहाँ पे जो इस तरीके से ट्यूब है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स, अब अपना फेरिंग्स जाता है ईसोफेगस में, तो इसकी भी ईसोफेगस बना लेते हैं। यहाँ से एक नैरो ट्यूब जा रही है, इससे आगे ये एक नैरो ट्यूब जा रही है, इसको ईसोफेगस बोल दिया, ठीक है। अब फेरिंग्स और ईसोफेगस में फर्क क्या है, तुम कहोगे यार ईसोफेगस ना
फेरिंग्स में ना कुछ सिक्रीशंस आती हैं, ईसोफेगस में कोई सिक्रीशन नहीं आती, ये ईसोफेगस है, मैं तो ऐसे बनाऊंगी, मेरा मन कर रहा है। ईसोफेगस ठीक है, देखो यार कॉकरोच अभी पढ़ लो एक बार, लेकिन रिवाइज जरूर करके जाना नीट से पहले, क्योंकि एक बार तुम पढ़ोगे अभी तुम लगेगा याद हो गया, लेकिन मैं हर बार कॉकरोच पढ़ाने से पहले पढ़ती हूँ हर बार, और मैं कॉकरोच पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, एवरी टाइम आई हैव टू टीच इट, पहले मेरे को एक बार एनसीईआरटी देखनी पड़ती है, अच्छा ऐसा ऐसा, तो ये सबके साथ होता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, अगर तुम भूल जाओ तो 15 मिनट के रिविजन में तुमको सब कुछ याद आ जाएगा, बस एक बार लर्न करने की देर है। ठीक है, अब देखो ईसोफेगस खुलता है आगे, बड़ा ना ऐसे बहुत बड़ा सा ऑर्गन होता है ऐसे, ठीक है, विच इज देयर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कॉकरोच खाता रहता है और यहाँ पे स्टोर करता रहता है, इसको बोलते हैं क्रॉप, जैसे बर्ड्स में पढ़ते हैं ना स्टोरेज के लिए क्रॉप होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप क्रॉप की स्टोरेज के लिए यहाँ पे क्रॉप है, ठीक है ऐसे। फिर उसके नीचे एक छोटा सा, ऐसे तुम्हें लगता है इनसिग्निफिकेंट है परंतु ये बहुत ज्यादा खतरनाक और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे छोटा सा एक होता है, दिस कॉल्ड गिजर्ड, ठीक है अभी लिख लो बाद में बातें बताऊंगी इनके बारे में, गिजर्ड, ये आई डोंट नो तुम लोगों को ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ठीक ठीक दिख रहा है ना, यहाँ पे फोरगट खत्म हो जाती है, गिजर्ड तक फोरगट है, ठीक है अब इसके बाद क्या आ जाएगी, मिडगट, मिजेंट्रॉन आ जाएगी, कुछ नहीं है मिजेंट्रॉन, देखो जितना याद करना था तुम्हें यहीं पे ही याद करना था, आगे कुछ याद नहीं करना है, ठीक है लाओ जी, मिडगट में कुछ करना ही नहीं, एक पतली सी ट्यूब बनानी है, कुछ नहीं करना, ये मिडगट है हमारा खत्म, मिडगट ठीक है, हाइंड गट आ जाएगी उसके बाद, हाइंड गट में देखो अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल का लोअर पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से बनता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपन आगे पार्ट्स पढ़ लेते हैं, डूडनम, जेजुनम, इलियम है ना, फिर अपन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़ लेते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम, इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सब मिक्स कर दिए हैं, ठीक है देखो यहाँ पे सबसे पतला सा पोर्शन होता है, यहाँ बिल्कुल पतला सा पोर्शन होता है, इसको इलियम कह देते हैं, फिर थोड़ा सा मोटा सा पोर्शन है उसको कोलन कह देते हैं, फिर अंत में पोर्शन को रेक्टम कह देते हैं और एनस, क्या बोला मैंने, ये पतला सा पोर्शन है ये वाला जो जस्ट मिडगट के बाद आता है, इसको इलियम कह देते हैं, अब इसको ऐसे याद कर लो ना, क्योंकि इलियम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पहले लिख लो, फिर इसको कोलन कह देते हैं, कोलन अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो कोलन बाद में आ गया, और रेक्टम भी अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे रेक्टम बाद में आ गया है ना, और यहाँ पे एनस हो गया, ये देखो ये बस इतना अपने को याद करना है, अब इसका थोड़ा सा फंक्शन समझना है, ठीक है थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें और ऐड करनी और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा ना यार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैराथन क्लास करो बायो की, क्या बताऊं बेटा मेरे गले में ना दर्द हो जाता है, मेरी लिमिट बनी हुई है आजकल एक घंटा पढ़ाने की, एक घंटा, तो अगर तुमने मेरे साथ स्पेशल क्लासेस लगाई है तो तुमने लोगों ने देखा ही होगा मैं क्लास लेती हूँ स्पेशल क्लासेस में, एग्जैक्टली एक घंटे बाद मेरे गले में दर्द होने लगता है या 55 मिनट्स बाद, तो मैं कहती हूँ बच्चों टाइम देखो तो एक घंटा हो गया था, तो वो कहते हैं हाँ मैम हो गया, मेरा गला अपने आप ही अलार्म बजा देता है, कहाँ से मैराथन क्लास करो बेटा, मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों की ना मतलब सारे दिन क्लासे ही लेती रहूँ, ठीक है तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के नीट क्रैक करा दूँ तुम्हारा, लेकिन लिमिट है मेरी भी पढ़ाने की, नहीं पढ़ा पाती मैं, साइमन पीटर इजी है वो, मैं करा दूँगी चिंता मत करो, ठीक है अब देखो आओ चलो शुरू करो, देखो फूड यहाँ से आता है, अच्छा 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 एक और चीज़ है पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को, ये पूरा यहाँ से काइटिन से लाइंड है ना, इसकी पूरी बॉडी काइटिन से लाइंड है, ऐसे काइटिन से लाइंड, देखो अगर मुझे गट अंदर से काइटिन से लाइन करनी हो तो मैं कौन सी लाइन करूंगी, ऑब्वियसली इसके साथ साथ मैं घुसा दूंगी, ये काइटिन की लाइनिंग अंदर भी जाती है, पूरी फोरगट अंदर से काइटिन से लाइन होती है ऐसे, ठीक है मिडगट नहीं लाइंड होती, ठीक है देखो कोई भी चीज अगर काइटिन से लाइंड है ना तो वो कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो फूड कभी भी फोरगट से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये बात अपने को याद रखनी है, एनसीईआरटी में दी हुई है, फोरगट क्योंकि अंदर से काइटिन से लाइंड है तो काइटिन वाली चीज से कोई भी चीज अब्सॉर्ब नहीं हो सकती, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, और यही चीज नीचे से भी है, ये भी काइटिन यहाँ से ऐसे इमेजिन कर लो अंदर चला गया, ठीक है तो पूरी हाइंड गट भी काइटिन से लाइंड है, सिर्फ मिड गट लाइंड नहीं है, इसलिए मिड गट से ही अब्सॉर्प्शन होगा फूड का, बाकी कहीं से अब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता फूड का, ठीक है ये लिख रही हूँ मैं काइटिन,
दिस इज काइटिन के लिए, ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो काइटिन के लिए, पूरा फोरगट और पूरा हाइंडगट काइटिन से लाइंड है, ठीक है। अब देखो, फूड आया माउथ के थ्रू, फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स में यहाँ पे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स नाम के ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी डाइजेस्टिव सिक्रेशन रिलीज करते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे एनसीईआरटी में ग्लैंड्स बनाए हैं जो फेरिंग्स में ओपन हो रहे हैं, देख रहे हो, अगर तुमने एनसीईआरटी खोली हुई है तो देखो, दीज आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। आई होप मैं फ्रेम से बाहर नहीं चली गई हूँ, आपको देख रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक, सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो यहाँ से थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस मिल गया, अब क्या है, फूड हल्का हल्का डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, पर डाइजेस्ट होके भी अब्जॉर्ब नहीं हो सकता कहीं पे भी, क्यों, क्योंकि फोरगट है अंदर से काइटिन से लाइंड है। खाना सारा का सारा यहाँ पे क्रॉप में आके जमा हो जाता है, फूड इज स्टोर्ड हियर, से दिस इज द फूड, ठीक है, दिस इज द स्टोर्ड फूड। तो कभी कभी कॉकरोच को जब ज्यादा बहुत ज्यादा खाने का खजाना मिल जाता है तो कॉकरोच जल्दी जल्दी खा रहा होता है, बस स्टोर क्रॉप में स्टोर करता रहता है, तो क्रॉप इसलिए सबसे बड़ा इसलिए होता है ताकि स्टोर हो सके खाना बहुत सारा। तो डाइजेस्ट हो रहा है साथ साथ में, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेशन तो आ ही गया था फेरिंग्स से, है ना। अब खाना नीचे गया गिजर्ड में, है ना, गिजर्ड में बहुत ही, जितना ये मासूम दिख रहा है ना उतना ही खतरनाक है। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है, और गिजर्ड का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कुछ कैसा होता है। गिजार्ड बहुत ही, गिजार्ड मान लो ये गिजार्ड है ना, गिजार्ड इज मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मसल्स लाइक दिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना हुआ है गिजार्ड, मस्कुलर ऑर्गन है, MUSCLES, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके गिजार्ड को ऐसे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पर क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, गिजार्ड को जरा, गिजार्ड को काट लेती हूँ मैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेती हूँ, काट लो गिजार्ड को अंदर, यहाँ से अंदर देख लेते हैं काट के, है ना। तो ये गिजार्ड का कट सेक्शन है, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ गिजार्ड। तो यहाँ पे मुझे मसल्स नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग मसल्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। गिजार्ड के अंदर काइटिन के बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दांत की तरह, छह टीथ हैं गिजार्ड के अंदर, कैन यू इमेजिन। कॉकरोच के गिजार्ड के अंदर इस तरीके से छह काइटिन के टीथ होते हैं, और जब गिजार्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है ना ऐसे ऐसे करके, तो वो टीथ ऐसे ऐसे करते हैं और अंदर वाला फूड पार्टिकल और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। सो बेसिकली मैस्टिकेशन ऑफ फूड क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए गिजार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राइंडिंग दो जगह से होती है, जब मैं तुम्हें माउथ पार्ट्स पढ़ाऊंगी ना तो उसमें एक मैंडिबल है, मैंडिबल भी ग्राइंडिंग करता है, लेकिन मेजर ग्राइंडिंग ये करता है, ठीक है। सो इसको बोल देते हैं काइटिनस टीथ। कितने होते हैं, हमेशा सिक्स इन नंबर, इसे प्रो वेंट्रिकुलस भी कहा जाता है, प्रो वेंट्रिकुलस या गिजार्ड, एम आई क्लियर, फोरगेट हो चुका था अपना, आगे चलो। बोलिए, साक्षी सिंह थैंक यू बेटा, तुम लोगों को समझ में आता रहे और क्या ही चाहिए, जिंदगी सफल हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिन बच्चों को नहीं पता है कल 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि स्पेशल क्लास क्या होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको पता है मैं अपना पूरा सिलेबस प्लस के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाती हूँ, ठीक है, पढ़ाती भी हूँ, रिवाइज भी कराती हूँ, क्वेश्चंस भी कराती हूँ, लर्न भी कराती हूँ, सब कुछ मैं प्लस के प्लेटफॉर्म पर ये सब चीज़ें कराती हूँ। सो प्लस की कुछ फ्री क्लासेस होती हैं, ऐसी प्लस की क्लासेस जो फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ उनको स्पेशल क्लास कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है, ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करके प्लस पे चले जाओ, वहाँ पे प्लस का ऑप्शन होता है, मेरा नाम टाइप कर देना रितु रत्तेवाल, जैसे आप नाम टाइप करोगे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, तो उसमें आपको ये फ्री क्लासेस मिल जाएगी। कल सुबह 10 बजे इकोलॉजी की फ्री क्लास है,
ठीक है, उसमें मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो पहला चैप्टर है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स पढ़ा रही हूँ, लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना वो वाली चीज पढ़ा रही हूँ, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कल पढ़ाऊंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। अरे 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 अंकिता जायसवाल थैंक यू। ना अब आगे देखो, फोरग्रेड खत्म हो गई, यहां तक अभी तक सिर्फ चर्निंग हुई है ना, अब ये यहाँ पे जाएगा मिडगट और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू होगी। मिडगट का काम ही है एब्जॉर्प्शन करना, फूड की एब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि सिर्फ यहीं से ही एब्जॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन तुमने ये देखा कोई ज्यादा जूस नहीं है, डाइजेस्टिव जूसेस सिर्फ एक जगह से आया सलाइवरी ग्लैंड से, तो यार और भी तो डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए होंगे ना, तुम सीधे एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़े बोल दोगे, तो लो जी ले लो। मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे, मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे यहाँ पे पतली पतली ब्लाइंड एंडेड टेब्यूल्स होती है। ब्लाइंड एंडेड मतलब आगे से बंद, ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कैन यू इमेजिन, प्रो इसके फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे 6 से 8 ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं जो आगे से बंद होती हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती हैं और ये मिडगट में पोर करती रहती हैं डाइजेस्टिव जूसेस, ताकि मिडगट में भी बहुत सारा डाइजेशन हो। तो बेसिकली मिडगट आपका स्टमक का भी काम करता है और इंटेस्टाइन का भी काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही हो रहे हैं मिडगट के अंदर। इनको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर कॉल्ड हिम्पैटिक सीके। हिम्पैटिक सीके भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं। इनका नंबर भी इंपॉर्टेंट है 6 to 8, पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी डाइजेशन होनी थी हो चुकी है, अब यहाँ से तो बस वेस्ट मटीरियल ही मतलब बन के आएगा, तो ईलियम कोलन रेक्टम में कोई डाइजेशन नहीं होनी है, ठीक है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होनी है, सिर्फ वेस्ट मटीरियल कॉन्सोलिडेट होएगा ताकि ये एनस से बाहर निकल सके, सिर्फ उसको प्रॉपर शेप एंड साइज यू नो ब्यूटी ब्यूटीफुल कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं है इनफैक्ट में, ठीक है। परंतु एक और चीज है, देखो जिन्होंने थोड़ा सा भी कॉकरोच पढ़ा हुआ है तुम्हें पता है कॉकरोच की पूरी बॉडी कैविटी ब्लड से भरी होती है। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका मतलब है कॉकरोच के पास कैपिलरीज नहीं होती, जिसका मतलब है उसका ब्लड ऐसे बहरा होता है जैसे पॉन्ड में है, ठीक है, सारे उसके ऑर्गन ब्लड के अंदर ऐसे तैर रहे होते हैं धीरे धीरे आराम आराम से मजे मजे से। सो ब्लड में होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, कॉकरोच का नाइट्रोजनस वेस्ट तुम्हें वैसे भी लर्न करना है, अभी लर्न कर लो। कॉकरोच का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड, लर्न कर लो, वैसे आगे बताऊंगी। यूरिक एसिड यहाँ पे बहुत सारा पड़ा है, ठीक है, अब मैं क्यों बता रही हूँ एक्सक्रीशन का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे इस बॉडी फ्लूइड में बहुत सारा यूरिक एसिड पड़ा हुआ है ना, दिस इज यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड को निकालने का तरीका ये है, और भी कुछ तरीके पर सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि यहाँ पे मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पतली पतली ट्यूब्स होती है ऐसे बहुत सारी 150 से के अबव, ऐसे ऐसे, ठीक है, 150 के आसपास ट्यूब्स होती है, येलोइश कलर की होती है, इनको मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तुमने पढ़ा भी है कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स होता है ना, इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ये मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स इस यूरिक एसिड को यहाँ से कैप्चर करती है, इसको यूरिक एसिड को यहाँ से कैप्चर करती है और ये यहाँ पे डाल देती है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी हाइंड गट से बाहर निकल जाता है। अब तुम कहोगे मैम ये क्या है, ये तो सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट के लिए है ना, आप एक्सक्रीटरी वेस्ट क्यों, भैया मैं क्या करूँ यहाँ, कॉकरोच ऐसा करते हैं, वो अपना सूसू और पॉटी मिक्स करके रिमूव करना चाहता है, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। सो ये क्या है, मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे, लेट मी राइट इट, 150 मालपीजियम ट्यूब्स, आई होप दिस इज विजिबल, आई डोंट नो इफ इट इज और इट इज नॉट। अब कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कहां पे थे और ये कहां पे थे, सिंपल सी बात है, अगर आप डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करने वाली को नीचे बनाओगे तो उनका कोई फायदा नहीं है ना। अगर तुम डाइजेस्टिव जूसेस हाइंड गट में डाल रहे हो तो उसका फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है। आपको डाइजेस्टिव जूसेस मिड गट में डालने की जरूरत है, इसलिए फोरगट और मिड गट के जंक्शन में हमेशा मल्टीजन ये हिपैटिक सी के होता है
और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे हमेशा मल्टीफेज इंटीग्रल होता है। बोलो क्लियर है, बस खत्म है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, वी आर डन विद डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लीज टेल मी। या इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम थिंकिंग, आप लोगों को समझ में आ चुका है, आई एम थिंकिंग यू आर डन विद दिस, सो यस आई विल टेक इट एज अ यस एंड आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। ओके डाइजेस्टिव सिस्टम इज डन, नाउ लेट्स गो टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी कॉकरोचेस डू नॉट ब्रीद बाय नोज और माउथ। कॉकरोचेस को कभी ऐसे सांप जो कार्टून्स में दिखाते हैं, ऑगी एंड द कॉकरोच, पता नहीं क्या होता है वो कार्टून, ग्रोन पीपल सी ऑगी एंड द कॉकरोचेस, यू नो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे ऑगी एंड द कॉकरोच दिखाया कि देखो तो सही कितना मजा आता है, इट वॉज सो बोरिंग। ऐसे बॉलीवुड कैरेक्टर्स पे ना कॉकरोचेस बात करते होते हैं, हे हे, शाहरुख खान की आवाज़ निकालता है कॉकरोच, हे हे ऐसा तो नहीं होगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कॉकरोचेज ऐसे बात करते होते हैं उसमें। सो उसमें दिखाते कॉकरोचेज मुंह से नाक से सांस लेते हैं, बट कॉकरोचेज डू नॉट एक्चुअली ब्रीद फ्रॉम देयर नोज और माउथ। ओके कॉकरोचेज ब्रीद फ्रॉम देयर साइड्स, इनके साइड में छेद होते हैं जिसमें कि जिससे कि कॉकरोच ब्रीद करते हैं। कैसे आओ देखो इधर, सी ऑन ईदर साइड, इस साइड भी और इस साइड भी कॉकरोचेज के पास 10 ओपनिंग्स होती हैं, 10 छेद होते हैं, ठीक है, जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं, जिनसे एयर अंदर एंटर करती है। कहाँ पे होते हैं स्पाइरेकल्स देखो, कौन से कलर से बनाए जाए बच्चों, व्हाट अबाउट ग्रे, ग्रे तो दिखेगा ही नहीं मेरे ख्याल से, पर्पल से बनाए जाए। देखो दो पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स यहाँ पे होता है थॉरिक्स के अंदर, मतलब दो इधर और दो उस साइड पे, बाकी 8 पेयर एब्डोमेन में होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। साइड में थोड़ा नीचे बना दे, थोड़ा और ऊपर बनाने चाहिए थे, थोड़ा और ऊपर होने चाहिए, ठीक है। सो 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स है, मतलब समझ जाओ अगर कोई कॉकरोच है तो उसके 10 पेयर इधर, 10 इधर है और 10 इधर है। सो तुम्हें ये क्वेश्चन बन सकता है नीट में, कितना स्पाइरेकल्स होता है, स्पाइरेकल्स होता है 10 पेयर या 20। अब उसका फायदा क्या है आगे मैं तुम्हें दिखाती हूँ। See, it is like this. मान लो ये कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है, ये कॉकरोच का साइड व्यू दिखा रही हूँ, है ना, ये साइड व्यू दिखा रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से एयर एंटर करती है, ऐसे यहाँ पे पोर है, यहाँ पे पोर है, ठीक है, साइड साइड पे पोर है, उसी साइड दूसरी साइड भी ऐसे ही है, उस साइड पे भी ऐसे है, बट वो देख नहीं रहे हैं क्योंकि कॉकरोच ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, दस इधर दस इधर। यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जिससे एयर अंदर जाती है, ठीक है, यहाँ पे O2 है, मतलब एयर है, O2 तो क्या ये एयर है, O2 रिच एयर है, वो अंदर जा रही है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा ट्रैकिया होता है, लेकिन अपना ट्रैकिया के आगे ब्रोंकाई होता है, इसका ब्रोंकाई नहीं होता, इसका ट्रैकियोल्स होता है, इसकी पतली पतली हजारों ट्यूब्स हो जाती है, ऐसे हजारों ट्यूब्स हो जाती है, इसे दिस आर कॉल्ड ट्रैकियोल्स। तुम लोग जानते हो, नहीं भी जानते तो जान लो, कॉकरोच के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत गंदी चीज होती है, ठीक है, क्योंकि कैपिलरीज नहीं होती तो ब्लड ऐसे धीरे धीरे बहता है, जैसे अपनी बॉडी में ब्लड कैसे बहता है, जैसे ट्यूबवेल में से पानी आता है ना तेज, और कॉकरोच की बॉडी में ब्लड कैसे बहता है, जैसे पॉन्ड के अंदर पानी धीरे धीरे हिलता रहता है ऐसे। सो अब सोचो अगर कॉकरोच अपने ब्लड पे रिलाई करेगा, है ना, वो अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करेगा, जैसे हमारे ब्लड से जाती है ना ऑक्सीजन, अगर कॉकरोच अपने ब्लड में ऑक्सीजन डालेगा और ब्लड से एक्सपेक्ट करेगा कि वो टिश्यूज को दे दे, तो टिश्यू तो भूखे मर जाएंगे ऑक्सीजन के बिना, है ना, बिकॉज ब्लड इज गोइंग सो स्लो। सो कॉकरोच एक्चुअली नेवर रिलाइज ऑन ब्लड फॉर यू नो गैशियस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट होम डिलीवरी करेंगे हम ऑक्सीजन की टिश्यूज के पास। देखो यहां से ऑक्सीजन आई, सो दिस इज ऑक्सीजन, राइट, this is oxygen, enter, यहाँ पे oxygen पहुँच गई, and here are the tissues, these are the tissue, these are the cells, directly oxygen goes to the cells, there is no use of blood
ब्लड, कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ भी कहते हैं. देर इज नो यूज ऑफ हीमोलिम्फ इन ट्रांसफर ऑफ गैसेस. फिर तुम कहोगे मैम कॉकरोच के पास ब्लड क्यों होता है जब ट्रांसफर होना ही नहीं. तो कॉकरोच का ब्लड और चीज़ें ट्रांसफर करता है, फूड ट्रांसफर कर देता है, मतलब बीमारियों से बचाने के लिए उसके पास फैगोसाइट्स होंगे ना सेल्स विच विल यू नो किल द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो फैगोसाइट्स होते हैं उसके पास, वेस्ट प्रोडक्ट सर्कुलेट होता है. लेकिन गैसेस कभी भी सर्कुलेट नहीं होती क्योंकि गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट रिलाई ऑन ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर दैट. फॉर डायरेक्टली होम सप्लाई इसकी ऑक्सीजन की मिल जाती है. एंड फॉर CO2 ऑल्सो, for CO2 also, CO2 from the cells will directly jump here and CO2, you know, CO2 rich air will be released out. This system, so यहाँ पे 10 ऐसे होंगे, 10 उस साइड से भी ऐसे होंगे, ठीक है? This system is called tracheal system. तुमने पढ़ा हुआ है that insects breathe through or respire through tracheal system. Have you read about it? Please tell me. Yes. मैम की और भी कुछ वीडियोज हैं कि इस चैप्टर. ओके, जो बच्चे, जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरी सारी वीडियोज इस चैनल पे मिल जाएंगी जितनी भी आज तक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है. सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगी और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी, ठीक है? लेट्स क्रैक नीट पे. दूसरा, मैंने इस चैप्टर से कुछ एनिमल टिश्यू के कुछ चैप्टर लेक्चर्स कराए हैं. आई थिंक 2-3 क्लासे कराई हैं एनिमल टिश्यू की, ज़्यादा पूरी नहीं कराई, ठीक है? मैं पूरा करूंगी उसको भी, मेरे को टाइम नहीं मिला था करने के लिए. कॉकरोच की आज ये पहली क्लास है. नो, कॉकरोच कम्स इन आर्थ्रोपोडा. अंकिता जयसवाल, कॉकरोच इज द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ऑफ आर्थ्रोपोडा जो हम पढ़ते हैं. इंसेक्टा का मेंबर है ये बेटा. बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, अगर तुम कॉकरोच को पानी के अंदर पूरा डुबो दोगे तो वो मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा. कॉकरोच के पास गिल्स नहीं होते, ठीक है जी? अच्छा, अभी तुम क्लास 1 के हो. ओके, सृष्टि राव, जो अभी क्लास प्लस 1 के बच्चे हैं, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है बेटा. तुम तो लकी हो, यू हैव 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर राइट नाउ, है ना? तुम्हारे पास तो 1.5 साल है. तो तुम एक तो बायो के लिए बता सकती हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बताऊंगी, पर बायो के लिए तो मैं मेनली बता सकती हूँ. एक तो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई वीडियोज़ देख दो, ठीक है? अब यूट्यूब में वीडियोज़ को कई बच्चों को लगता है कि मैम बहुत स्लो है, ये है वो है, तो तुम फास्ट करके देख सकते हो उसको. अगर तुम ऐसे पर्सनलाइज्ड अटेंशन से पढ़ना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मतलब क्लासरूम की तरह पढ़ो, मैं तुमसे बात करूँ, तुम मुझसे बात करो, हम क्वेश्चंस करें, तुम मुझसे पूछो मैम इसका मीनिंग क्या है, एनसीईआरटी की इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो तुम लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो. तुम्हारे पास ये ऑप्शन हमेशा ही है, चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, किसी भी वक्त कभी भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है? तुम ड्रॉपर हो, प्लस 1 में हो, प्लस 2 में हो, 10th में हो, प्लस का ऑप्शन हमेशा ही है. और आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती प्लस लेने के लिए. प्लस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं पूरा अनअकैडमी प्लस मैं पूरा वो लेती हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, क्रैश कोर्सेज लेती हूँ, लर्न कराती हूँ, सब कुछ. मैं मतलब बायो में आपको प्रिपेयर कराती हूँ मैं. और उस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी 40 टीचर्स मिलते हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है? आप चूज करते हो आपको किससे पढ़ना है उनमें से. तो वो पूरा प्लेटफॉर्म पूरी नीट की तैयारी कराता है. और सबसे तैयारी करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है, अलग अलग नहीं लेना होता सब्सक्रिप्शन. और ये नहीं है कि आप जब सेशन शुरू होगा आप तभी सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है? अगले साल का. मैं आज तक जितना भी वहाँ पे पढ़ा है उसकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं. आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हो, ह्यूमन हेल्थ पढ़ना चाहते हो, इकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं. तो आप जब मर्जी पढ़ना शुरू कर सकते हो. आपका आज मन कर रहा है आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो, साथ साथ में नोट्स जरूर बना लेना, लाइव क्लासेस लगाओ. अभी लाइव क्लासेस में मैं प्लस 2 पढ़ा रही हूँ, प्लस 1 में से प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ, प्लस 2 में से इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? सेल साइकिल वाला पार्ट रह गया. अभी तुम नीट के लिए अभी प्रिपेयर करो 2020 के लिए, तो अभी ज्वाइन करो, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पे मेरे, ठीक है? तो अब पढ़ेंगे 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 तो कैसे लर्न नहीं होगा? जब हम सब कुछ सारी जान ही लगा देंगे, मेहनत कर देंगे, तो कैसे लर्न नहीं होगा? सिमिलरली वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी ऐसे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है? एंड देर आर वेरी गुड टीचर्स. सब तो सबको नहीं अच्छे लग सकते, बट कुछ टीचर्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे जो कि आपकी नैया पार लगा देंगे. तो प्लस कैसे लेना है, मैं जनरली वीडियो में पहले बताती हूँ, तो मैं वीडियो के बाद बताना चाहती थी आज. सिंपल सा है, देखो ये ऐप डाउनलोड कर लोगे पहले, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना. इंस्टॉल करते ही नीचे सबसे नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक प्लस का ऑप्शन होगा, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना. फिर आगे बड़े ऑप्शन आएंगे, नीट और एम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना. फिर जाना गेट सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है? गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, तुम्हारे पास पूछेगा 1 महीने का 3 महीने का 6 महीने का कितने का तुमको सब्सक्रिप्शन लेना है. सो तुम ट्रायल के लिए लेना चाहते हो 1 महीने का ले लो, पर 1 महीने का
पर मंथ के हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, पर मंथ वो आपको 6,000 रुपये का पड़ता है। हालांकि मैं तुम्हें अभी कोड बताऊंगी, उसको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 5500 का, 5400 का पड़ेगा, बट फिर भी जैसे तुम 3 महीने का ले सकते हो, जो भी नीट वाले बच्चे हैं, 3 महीने का कोर्स तुम्हारा कोड डालने के बाद 13,500 का पड़ता है, 1 ईयर वाला 27,000 का होता है, 2 ईयर वाला 43,000 का होता है। तो किसी पे भी तुम ऐसे क्लिक करोगे ना, जैसे ऐसे ऑप्शन आएंगे तुम्हें, ऐसे मान लो तुमने, जैसे मान लो 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, तो क्लिक करके देखो यहाँ पे पेमेंट आएगी, पेमेंट 30,000 आएगी, पर वो पे मत करना, ये कोड डाल देना पहले, ठीक है, रितु लाइव, ये कोड जरूर डालना है, तभी तुम मेरी क्लासेस से कनेक्ट हो सकते हो, रितु लाइव कोड डाल देना, ठीक है, रितु लाइव। 10% तुम्हारी फीस ऑफ हो जाएगी, 30,000 से 27,000 हो जाएगी, मतलब एक साल वाली, प्लस तुमको मेरी क्लास से कनेक्ट हो जाओगे, प्लस तुमको वहां पे मेरे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैं वहां पे लिखती हूँ ना क्लास में, उसका पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग नाउ। अर्थवर्म और फ्रॉग सिलेबस में नहीं है, परंतु मैं फिर भी चाहूंगी कि तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं फ्रॉग या अर्थवर्म में से, फिर जब हम लोग कंटेस्ट करते हैं उसको कि आपने तो कहा था सिलेबस में नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये तो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, तो हमने इसलिए डाल दिया। ओके सृष्टि राव, नींद आती है तुम्हें पढ़ने के लिए, पढ़ने में, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि नींद कैसे ना आए। ओके ओके, सो आई विल सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल 6 बजे इस वो कॉकरोच को कंटिन्यू करेंगे 6 बजे वाली क्लास में, और 4 बजे मोस्ट प्रोबेबली मैं या तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी, जो बायोटेक्नोलॉजी का बचा हुआ पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, अगर मैंने वो नहीं पढ़ाया तो कोई टेस्ट लूंगी, सच का सामना हो सकता है, 45 questions का होल सिलेबस का, 90 questions हो सकते हैं होल सिलेबस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 20 questions वाला कर सकते हैं आप नीट 2020 चैंपियनशिप। ओके, बाय बाय, थैंक यू।